अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम होम्योपैथिक दवा सिम्फोरी कार्पस के तारुफ़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, ये दवा स्नोबेरी पौधे से तैयार की जाती है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस दवा का ज़्यादातर इस्तेमाल वोमटिंग यानी मतली और कैक की शिकायत में किया जाता है, और इस मर्ज़ में यह दवा इंतहाई शोहरत की हामिल है। खसूसन हमल की मतली और उल्टियों को दुरुस्त करने में तो ये लाजवाब दवा है। अगर हमल की मतली और कै और किसी दवा से ठीक ना हो तो इसे लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। यह नहायत मौसिर और अक्सर आज़म है। इस दवा से दुरुस्त होने वाली अलामात को अगर अलग अलग बताया जाए तो ये हैं: हमल की कै, हज़म की खराबियाँ, भूख की कमी और ज़्यादती, अमूमी मतली, खुराक की बू से भी मतली, मुँह से पानी आना, राल का बहना, जायका कड़वा होना, कब्ज़ की शिकायत, हैज़ के दौरान मतली, हरकत से मतली और आराम से सुकून। नाज़रीन, इन अलामात में ये दवा काम आती है और हामला ख़वातीन की मतली में इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसी तरह एपिकाक का नाम सुनते ही जहन में मतली और उल्टियों का ख्याल आ जाता है। एपिकाक का भी मतली और दिल ख़राब होने से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसी तरह मतली कै का रुझान मैदे की खराबी, बदहजमी और कब्ज़ की वजह से भी होता है, जो कि नक्स व मीका की पहचान है। लिहाजा मतली और कै के खात्मे के लिए इन तीनों अद्वियात को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस मकसद के लिए इन्हें 30 की ताकत में मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। सिम्फोरी कार्पस दवा को ज़्यादातर मडर टिंक्चर और 30 की ताकत में इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें।